या सो हे एवरीवन, की हाल चाल सारा सैरिस दिस साइड। सो वेलकम टू द इंपोर्टेक। सो वेलकम टू द सिक्स वीडियो ऑफ द फ्लटर प्लेलिस्ट। एंड इन दिस वीडियो वी गोना क्रिएट ए कैलकुलेटर। सो आई नो आई एम गोइंग टू फास्ट, मतलब अभी मैं प्रोजेक्ट में भी आ गया हूँ, बट क्या है कि मेरा ऐसा है कि जो भी सीखना है ना, प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखो। तो मैं वैसा नहीं हूँ कि आपको पहले इतनी वीडियोस में थ्योरी की कवर कर दूँ फिर आपको प्रोजेक्ट कराऊँ। मैं आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करते करते आपको जो टॉपिक्स का उसको एक्सप्लेन करूंगा, एंड उसके साथ साथ आपको एक पूरा कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। सो लेट्स क्रिएट द फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। लेट्स नेम इट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट दिस फ्लटर क्रिएट माई कैलकुलेटर कर देते हैं इसको। माई कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, फाइन। सो दिस विल क्रिएट माई फ्लटर प्रोजेक्ट, एंड या इट हैज बीन क्रिएटेड। नाउ लेट्स मूव टू दिस डायरेक्टरी। या सो आई एम इन टू माई डायरेक्टरी। सो कैसे, जैसे मैंने बताया था, लिब फोल्डर में जाना है, मेन मेन फाइल में जाना है। तो ये मेरे पास जो फंक्शन है, इसको मैंने रिमूव कर देना सारे को, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर दिया। सो पहले तो मैं यहाँ पर, आप स्टेटफुल विजिट भी क्रिएट कर सकते हो, स्टेटलेस विजिट भी क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर हम, जैसे कि जो मेन इस फाइल में जो मेन फाइल है, उसमें हम कोई भी लाइक स्टेट को चेंजेस वगैरह नहीं कर रहे होंगे। जो भी हमारा काम होगा वो आगे होगा। तो यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या रिटर्न करूंगा, मटेरियल एप, फाइन। यहाँ पर टाइटल माई कैलकुलेटर टाइपो, फाइन। तो यहाँ पर एक पैरामीटर है थीम, जो मटेरियल ऐप एक पैरामीटर रहती है थीम, उसको थीम डाटा। थीम डाटा में क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसको प्राइमरी स्वैच बताऊंगा कि मेरा जो बेसिक, क्या कहते हैं इसको, जो बेसिक थीम कलर है वो कौन सा होना चाहिए। तो कौन सा रखें, इसको रख लेते हैं कलर्स डॉट, कौन सा अच्छा लग रहा है, इंडिगो अच्छा लग रहा है, ये रख लेते हैं, ठीक है। तो फाइन, मैं आपको साथ साथ में इसकी आउटपुट भी शो कराता हूँ। सो दैट गो टू टर्मिनल, टाइप फ्लटर रन। तो यह हमारी एप्लीकेशन लाइक जस्ट एज, देखो ये रन हो गई है। तो ये ब्लैक स्क्रीन क्यों आई, क्योंकि हमने अभी अभी पूरा रन नहीं किया, इसको होम पैरामीटर दिया ही नहीं, तो दैट्स वाई अभी कुछ शो ही नहीं किया इसने। तो यहाँ पर हम एक होम इसको पैरामीटर दे देते हैं, होम, ठीक है। लिब लिब फोल्डर में जाके मैं एक होम पेज क्रिएट करता हूँ, होम डॉट डार्ट। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्या करना था, मटेरियल डॉट डार्ट को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करना है। मुझे एक बात याद रखना, मेन फाइल में हमारा स्टेटलेस विजिट होगा, उसके बाद हम जितने भी पेजेस क्रिएट कर रहे होंगे, मोस्टली हमारा स्टेटफुल विजिट ही हम क्रिएट कर रहे होंगे। बिकॉज हमें मोस्ट, मतलब कई बार नहीं, मतलब काफी टाइम हमें कुछ चेंजेस स्क्रीन पे रियल टाइम में शो करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए स्टेटफुल विजिट ही काम आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर होम को कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं। ओ सॉरी, प्लेस होल्डर है यहाँ पर। तो प्लेस होल्डर मैंने जैसे पहले, आप पहले बताया था कि यहाँ पर हम स्कैफोल्ड को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के बाद यहाँ पर टाइटल दे, टाइटल ये, सॉरी, एप बार, एप बार, उसमें हम देंगे टाइटल, टाइटल टेक्स्ट क्या देंगे इसको, माई कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद एप बार में और कुछ नहीं डालते, नहीं डालेंगे अभी। बॉडी, बॉडी में हम इसकी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होंगे, तो बॉडी में हम इसकी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो ओके, अब देखो कि हमें क्या चाहिए, बॉडी में क्या चाहिए। ऊपर एक फील्ड चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ही हो कुछ, ये कैसे के ऐसे ही कुछ शो हो जाए, टेक्स्ट शो है यहाँ पर, हमारा एक्सप्रेशन शो हो रहा हो। हमें एक वो फील्ड चाहिए। नीचे हमारे पास क्या चाहिए, बटन्स चाहिए। तो फ्लटर में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है रो, एक विजिट होता है रो, एक होता है कॉलम। तो कॉलम, कॉलम जो है वो एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे प्लेस करता है, लाइक इन दी स्टैक वाइज कॉलम ऐसे प्लेस करता है।
रो है वो आइटम्स को ऐसे ऐसे प्लेस करती है, मतलब अगर आपके आइटम्स एक रो में प्लेस करनी है तो रो यूज कर लो, अगर आपके आइटम ऐसे शो करनी है तो आप यहाँ पर कॉलम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें अभी तो फिलहाल ऐसे चाहिए कॉलम, ऐसे आइटम्स प्लेस करनी है, तो मैं यहाँ पर कॉलम यूज करूंगा। क्योंकि हम फ्लटर में ऐसा नहीं कर सकते कि बॉडी में, जैसे मैंने यहाँ पर कंटेनर डाला ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोमा डाल के कोई और विजेट डाल दूंगा तो वो उसके नीचे शो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फ्लटर ना इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। कंटेनर में अगर हम यहाँ पर कुछ डालें तो एक ही चाइल्ड डलेगा, तो इसके अलावा हम यहाँ पर कोई भी विजेट, कोई सेकेंड विजेट हम नहीं डाल सकते। ये देखो अगर यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कंटेनर डाल दिया तो यहाँ पर सिर्फ एक मैं टेक्स्ट विजेट डाल सकता हूँ, उसके अलावा मैं ना कोई यहाँ पर बटन डाल सकता हूँ, ना मैं कुछ कुछ भी नहीं डाल सकता इसके लिए, मैं एक टेक्स्ट और भी टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकता। तो मुझे सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, बट ऐसा तो एप्लीकेशन में नहीं होता। उसमें क्या होता है, काफी एलिमेंट्स होते हैं एक सिंगल पेज पे, तो हम उसको देखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसे की कंडीशन आए, मतलब कि आपने एक पेज पे काफी एलिमेंट्स वगैरह शो करने हैं, तो यहाँ पर आप एक यूज कर सकते हो कॉलम नाम का विजेट है, वो एक पैरामीटर लेता है चिल्ड्रन। तो अब इस लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन में आप काफी जो विजेट्स है अपने वो डाल सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कंटेनर डाल दिया ठीक है, और नीचे, हाँ नीचे कैलकुलेटर में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं तो इसको चाइल्ड देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट 20+30 जस्ट फॉर दी रेफरेंस डिजाइनिंग पर्पस, उसको देखते हैं। तो टेक्स्ट हमारा ऊपर कॉर्नर में आ रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि कॉर्नर में आए, मैं चाहता हूँ कि पहले लेआउट क्रिएट हो जाए, नीचे बटन क्रिएट हो जाए। तो कैसे होगा, तो मुझे कॉलम में यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड विजेट क्या करता है कि जो अवेलेबल स्पेस है उसको फिल कर देता है। तो ये जो विजेट है अब वो पूरी विंडो कवर कर रही होगी, ये देखना अभी तो इसको शो नहीं हुआ क्योंकि अभी ये कुछ और एलिमेंट नहीं है, तो उसने पूरा विंडो कवर की हुई है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डालता हूँ, यहाँ पर एक ना नेस्टेड, हम यहाँ पर नेस्टेड रोज क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें बटन्स लाइक एक रो में बटन्स चाहिए, ऐसे हम ऐसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम एक रो क्रिएट करेंगे, रो भी क्या करती है, चिल्ड्रन पैरामीटर उसमें हम पास करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे मटेरियल बटन ऑन प्रेस, अभी तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको चाइल्ड देंगे, चाइल्ड क्या देंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम लिख देंगे 1, दैट्स इट। तो यू कैन सी ये नीचे आ गया। नीचे क्यों आया, क्योंकि इसने ये जो कंटेनर है इसने पूरा ये विंडो कवर कर ली एक्सपेंडेड की वजह से, बट ऐसा हमने करना नहीं है। तो क्या करेंगे, हम जो ये रो है ठीक है, तो क्या करते हैं कि हमने नेस्टेड कॉलम क्रिएट करते हैं पहले। हाँ नेस्टेड हमने कॉलम क्रिएट किया, कॉलम के अंदर कॉलम क्रिएट किया। अब हम जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, जो बटन्स हैं, हम इसमें डालेंगे इस कॉलम में ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम को हमें एक्सपेंडेड से करता हूँ, रैप कर देता हूँ। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो अवेलेबल स्पेस है उसको हमने प्रॉपरली कवर करना है। तो यहाँ पर रो को मैंने कट कर दिया ठीक है, जस्ट फॉर द सिस्टमेटिक वे, ताकि मैं ये जो पूरा पार्ट है, जो बटन्स का पार्ट है, उसको एक साइड में कवर कर सकूं। या आप, ये ग्रुप हो गया, एक ग्रुप यहाँ पर हो गया, ये कॉलम है मेन कॉलम है, इसमें एक ग्रुप है अनदर कॉलम का जो कि बटन्स लेगा, एंड ऊपर एक फील्ड है जो कि एक ऊपर एक्सपेंडेड वेरिएबल है, ऊपर एक एरिया है जहां पर सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन शो हो रहा होगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस एक्सपेंडेड दिस दिस ग्रुप एंड फॉर अपर पोर्शन दिस ग्रुप। ओके तो यहाँ पर कॉलम में मैं एक रो पास करूंगा। तो हाँ अब देखो यहाँ पर बटन आ गया, 1 2 3 ऐसे में क्रिएट कर दूंगा। ये बटन ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस है, तो आप सोच रहे होगे इतनी स्पेस क्या करनी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो निचला पोर्शन है वो सारा कवर हो जाए, बट जो ऊपर वाला है ना वो इतनी स्पेस ना ले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड को रिमूव कर दूंगा। रिमूव कर दूंगा क्या करेगा, ऊपर वाला पोर्शन बट आप देखोगे कि बहुत ही ऊपर चला गया है। तो इसको आप सोचोगे यार इतना ऊपर चला गया क्या करें, कुछ नहीं करना। कंटेनर को आप, हम कुछ पैरामीटर्स लेता है कंटेनर, उसकी आप विड्थ हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो एक्सप्लिसिटली मैं यहाँ पर उसको हाइट 200 दे देता हूँ, तो ये नीचे चला गया काफी। तो नीचे नहीं करना 200, ओके लेट्स से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं इसकी हाइट, तो थोड़ा सा बेटर लगना
हो जाना चाहिए शुरू। हाँ तो इसको ये एरिया मिल गया, इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि सो दैट वी कैन सी हाउ मच द एरिया इट इज कवरिंग। या सो इतना एरिया से कवर करिए, बट आप देखोगे यहाँ पर इसमें जो साइड की पोर्शन है वो कवर नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम इसकी विड्थ को भी सेट कर देते हैं। विड्थ आप सोचोगे आप, ये मुझे क्या पता कि मोबाइल की विड्थ अगर जितनी, अगर मैं इसको 10 लिखता हूँ, लेट से इसको 100 लिख दिया, तो उसमें विड्थ अपनी फुली कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या फ्लटर हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है, डबल डॉट इन्फिनिटी और मैक्स पॉजिटिव, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो विड्थ है वो ऐसे कवर कर लेगी। देखो जैसे हमने किया तो ये हमारी विड्थ कवर हो गई। ओके सो अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ये मेरा यहाँ पर बॉटम में शो हो, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे अलाइन, इसमें अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट, फाइन। ओके सो हमारा टेक्स्ट जो है बॉटम राइट पे आ गया है, बट ये बहुत छोटा है यार, इतना छोटा टेक्स्ट तो मतलब दिखेगा नहीं ना। तो हम टेक्स्ट के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं इसको, मैं थोड़ा टर्मिनल को नीचे और थोड़ा सा स्मॉल कर लेता ताकि मैं इसको रन वगैरह, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है, यहाँ पर लाइंस वगैरह क्यों आ रही है, क्योंकि हम ये अभी ये चीज कॉन्स्टेंट है, इसको बाद में देखेंगे, बट हम यहाँ पर प्लस स्टाइलिंग का थोड़ा देख लेते हैं, टेक्स्ट में हम कैसे कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए टेक्स्ट विजेट एक स्टाइल पैरामीटर लेता है, टेक्स्ट स्टाइल में हमें टेक्स्ट स्टाइल नाम का एक फंक्शन पास करना होगा, तो इसमें हम कई पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, लेट्स से कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज सबसे पहले इसको बड़ा करते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम जो भी कर रहे होंगे लिख रहे होंगे कैमल केस होगा, तो ये पैरामीटर भी कैमल केस है, यू कैन सी, तो इसको हम 25.0 लिख देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज आप इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ओके फाइन, इट इज लुकिंग ग्रेट, बट इसको मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो फॉन्ट वेट उसका सेट कर सकते हो, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और ये जो है वो बोल्ड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा साइज ना और बड़ा हो, लेट्स से इसको 35 कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं। हाँ ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो अब इसका साइज ठीक हो गया है। मैं चाहता हूँ यार ये नीचे से ना थोड़ा सा ऊपर हो एंड साइड से भी थोड़ा सा साइड पे हो, मतलब थोड़ी सी हम इसमें पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह लगा दें तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि कंटेनर है, हम मैं कंटेनर को कुछ पैडिंग दे देता हूँ, ताकि जो पैडिंग हम पैडिंग कैसे दे सकते हैं, पैडिंग के पैरामीटर पास करते हैं हम इसमें, पैडिंग पैरामीटर में हम एक फंक्शन पास करते हैं एज इनसेट्स डॉट ऑल, बट अगर हमें ओनली क्या ऑल क्या करता है कि पैडिंग चारों तरफ जितने भी लेफ्ट बॉटम टॉप राइट सभी पास तरफ में 10 10 पॉइंट्स की पैडिंग लगा देगा। जैसे आपने देखा तो यहाँ पर भी पैडिंग लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे भी, टॉप पे भी लगी है, राइट पे भी लगी है, बॉटम पे भी लगी है। लेट्स से मुझे सिर्फ बॉटम और राइट में चाहिए, अभी तो यहाँ पर लेफ्ट एंड टॉप पे दिख नहीं रही बिकॉज ऊपर कुछ साइड पे कुछ है नहीं, बट अगर आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में चाहिए तो आप ऐसे ओनली लगा के लेफ्ट पास कर सकते हो, राइट पास कर सकते हो 10 पॉइंट हो, एंड लेट्स से यहाँ पर लेफ्ट में नहीं चाहिए, बॉटम चाहिए, बॉटम एंड राइट चाहिए, तो वैसे कर सकते हो, आपको डिफरेंस कोई शो नहीं होगा, लेफ्ट और टॉप में कुछ है नहीं, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसके ना छोटी कर लेते, ठीक है फाइन। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम नीचे वाला पोर्शन जो बटन्स है उसको क्रिएट करेंगे। तो कैलकुलेटर के पहले बटन्स देख लेते हैं कैसे होते हैं, तो जैसे कि इन्होंने, ये तो बहुत एडवांस है बट हम बेसिक क्रिएट करेंगे, हमें बेस चाहिए 1 2 3 4 5 6, ओके एक रो में ऊपर चार बटन्स चाहिए और हमारे पास 1 2 3 4 5, ओके तो 5 कॉलम एंड 1 2 3 4 5, ओके तो 4 रोज 5 कॉलम, ओके ठीक है। सो मटेरियल बटन में मैंने जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट पास कर दिया 1, ऐसे मैं एक और बटन क्रिएट करूंगा 2 3 4, ठीक है 1 2 3, इसको रन करते हैं, ठीक है। बटन्स हमारे क्रिएट हो गए, बटन हमारे क्रिएट हो गए, बट अगर मैं ऐसे ऐसे बटन्स को बार बार ऐसे कर ही जाऊंगा तो ये थोड़ा सा हो जाएगा, लाइक नहीं यार ऐसा चलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसका ना फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मैं जिस फंक्शन को कॉल करूँ तो मुझे ये मटेरियल बटन रिटर्न कर दे, तो
तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर टॉप पे आके इस वाली क्लास फाइल में मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, लेट्स से माई बटन, कैल कैल बटन, कैलकुलेटर बटन है, जो कि एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेंगे हम उसको, लेट्स से कि हमें क्या चाहिए, लेट्स से बटन टेक्स्ट, ठीक है, रिटर्न, क्या हम रिटर्न करेंगे उसको, मटेरियल बटन, मटेरियल बटन ऑन प्रेस्ड, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमने कुछ ऐसे डिफाइन नहीं किया, जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, तो हम उसमें मटीरियल इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, हाँ हम इसमें चाइल्ड पास करेंगे, टेक्स्ट बटन टेक्स्ट, ठीक है, तो ऐसे डायनामिकली हम जस्ट इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो हमारे पास एक बटन क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमें बार बार ये मटीरियल बटन मटीरियल बटन मटीरियल बटन लिखना नहीं पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने इसको कॉल किया, यहां पर इसको मैंने पास कर दिया 1 2 3 4 2 3 4, तो ये एक रो हो गई, इसको ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट रोज क्रिएट कर लेता हूँ, सेकंड रो, हमें कितनी रोज चाहिए थी, 5 2 3 4 5, हमारे पास 5 रो हो गई, लेट्स से इसको रन करके देखते हैं कैसे, ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा प्रोग्रेस है, बट आप देखोगे कि यार ये इतनी स्लाइड पे चला गया, इसको भी हम ठीक करेंगे, अभी जस्ट मैंने इसको बटन्स को लगाया है, तो इसकी जो पोजीशंस वगैरह है हम उसको देखते हैं कैसे करेंगे, तो ओके मैं नंबर्स को सेट करके आपके पास फिर आता हूँ, सो ओके या सो मैंने बटन्स वगैरह सभी नेम वगैरह कर दिए इसको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सभी मैंने नेम प्लेस कर दिए हैं, बट आप देखोगे कि यार ये ना प्रॉपरली बटन्स प्लेस नहीं हुए, तो मैं क्या करता हूँ कि यार जो अवेलेबल स्पेस है एटलीस्ट जो विड्थ है वो तो कवर करें, तो मैं क्या करूंगा मटेरियल बटन को एक्सपेंडेड में रैप कर दूंगा, बिकॉज इसको हमने रो में यूज किया है, तो रो में जितने वेरिएबल जितने भी हम विजेट चूज कर रहे हैं वो अगर एक्सपेंडेड में रैप हो जाएंगे तो उनको इक्वली स्पेस में वो डिवाइड हो जाएंगे, जैसे मैंने किया तो रो में वो इक्वली स्पेस में डिवाइड हो गए, तो उन्होंने प्रॉपरली अपनी जो अवेलेबल विड्थ थी उसको कवर कर लिया, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये जो क्या कहते हैं जो अवेलेबल स्पेस है बॉटम में ये वो भी कवर कर लें, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, उसको करने के लिए मुझे रो को ये रो को एक्सपेंडेड में रैप करना पड़ेगा, ताकि ये जो रोज है जो प्लेस्ड है तो वो भी इक्वली स्पेस को इक्वली स्पेस एक्वायर करें, तो इस रो को मैं भी एक्सपेंडेड वेरिएबल से सॉरी एक्सपेंडेड विजेट से रैप कर दूंगा, तो ये भी हमारी अब इक्वल स्पेस ले लेंगी, अब देखो हमारा कैलकुलेटर अच्छे से लग रहा है कि हाँ यार कैलकुलेटर हमने बिल्ड कर लिया है, बट आप देखो कि यार ये जो बटन्स हैं ये थोड़े से क्या कहते हैं स्पेस जो विड्थ है इसकी वो हाइट नहीं अच्छी आ रही, जो बटन्स का टेक्स्ट है बहुत छोटा है स्मॉल है, उसको कैसे करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं मटेरियल बटन को, सो इसको टेक्स्ट को मैंने बताया था आपको, टेक्स्ट को आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, स्टाइल नाम का आपको पैरामीटर पास करना है, यहाँ पर पैरामीटर पास करने के बाद टेक्स्ट स्टाइल लिखना है, उसके सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज ना हम इंक्रीज करते हैं ताकि फिर दिखना शो हो जाए, 20 पॉइंट ओ, ओके फाइन, या अब थोड़ा दिखना शो हो गया, अब थोड़ा दिख रहा है, हाँ जी ठीक है, तो मटेरियल बटन की हाइट है वो सेट कर देते हैं 100 पे, अब जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है अच्छे से, अब हाँ मजा आ रहा है क्लिक करने में भी, तो इसका कलर वगैरह सेट अगर करना हो तो वैसे तो आई गेस करने की जरूरत है नहीं बिकॉज प्रॉपरली चल रहा है, ओके तो ये तो हो गया, बट अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो ये स्क्रीन पे जो एक्सप्रेशन है मेरा शो हो, हम उसको कैसे शो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन जो कि स्टार्टिंग में होगी एम्प्टी, ठीक है स्टार्टिंग में एम्प्टी होगी, और जैसे ही कुछ बटन प्रेस हो जो उसका टेक्स्ट है ठीक है वो यहाँ पर उस एक्सप्रेशन में ऐड होना चाहिए अपेंड होना चाहिए, उसको हम कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेशन
चाहता हूं उसमें ये जो बटन का टेक्स्ट है वो अपेंड हो जाए। ठीक है, अब बटन क्लिक करेंगे, बटन का टेक्स्ट तो अपेंड हो रहा है बट यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ये जो 20 एक्सप्लिसिट लिखा है, यहाँ पर मैं जस्ट क्या लिखूंगा, बट सॉरी एक्सप्रेशन। फाइन, अब इसको मैं करता हूँ रन। तो अब जैसे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन में जो डाटा आ रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ कि एक्सप्रेशन में डाटा आ रहा है बट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। अब देखना, जब मैंने 6 टाइप किया तो लास्ट में 6 ऐड हो गया, तो यहाँ पर कोई और बटन करता हूँ, 8 किया तो यहाँ पर हमारे ऊपर शो नहीं हुआ बट यहाँ पर एक्चुअली में एक्सप्रेशन में हमारा 8 ऐड हो चुका है, अपेंड हो चुका है। अगर एप्लीकेशन में रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर 8 शो हो जाएगा। बट अब हम चाहते हैं कि रियल टाइम में हमें पास ये शो हो, इसको कैसे करेंगे, हम फ्लटर को कैसे बताएंगे कि यार अब तू ऐप को जो बिल्ड है वो दोबारा बिल्ड कर, ऐप नहीं जो स्क्रीन है उसको दोबारा बिल्ड कर। इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है सेट स्टेट। सेट स्टेट, हमने जब भी एक्सप्रेशन हमारा ऐड हो तो हमारा ऐप की जो स्क्रीन है रीबिल्ड हो, ताकि जो वेरिएबल्स में चेंजेस आए हैं वो हमारे पास शो हो जाए। अब मैं ऐप को करता हूँ रीलोड, अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो हमारे पास स्क्रीन में शो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वर्किंग क्वाइट फाइन, सो अच्छा लग रहा है। तो अब हाँ, यहाँ पर मैंने बटन में कुछ डाला नहीं था, क्या करते हैं इस बटन में डालते हैं, कहाँ गया, टॉप पे ये था ना, यहाँ पर मैं एरो डालता हूँ बैक का ऐसे। ठीक है जी, कि ये जो क्लियर करेगा बैक साइड, बट ये याद रखो उसने क्या किया, बटन का टेक्स्ट अपेंड कर दिया, बट दिस इज नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन। ओके, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर यहां पर एक चेक लगाएंगे, इफ बटन टेक्स्ट डबल इक्वल्स टू दिस वन, तो क्या करना है, बैक करना है तुम्हें, एक्सप्रेशन में ऐड नहीं करना, हम एक्सप्रेशन में जो ऑलरेडी एक्सप्रेशन है उसको सबस्ट्रिंग 0 से लेकर एक्सप्रेशन डॉट लेंथ -1। 6 रिमूव हो गया, 6 रिमूव हो गया, 9 ऐड हो गया, 6 रिमूव किया, 8 ऐड किया, 8 को रिमूव किया, तो प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है। एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से लेकर जो स्ट्रिंग है लास्ट तक लेंथ तक, तो यहाँ पर कैसे चलती है कि जो एक्चुअली हमारे पास ये सब स्ट्रिंग कैसे चलता है, स्टार्टिंग से लेकर जो एंड वाला होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, उसमें मैंने -1 कर दिया ताकि जो स्ट्रिंग है हमारी लास्ट का कैरेक्टर हमें ना मिले तो वो उसको असाइन हो जाए, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, जैसे हम बैक कर दिया, उसके बाद मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, इफ एल्स इफ अगर हमारा बटन का टेक्स्ट इज डबल इक्वल्स टू सी सी आ जाए तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को कर देना है क्लियर। तो उसको क्लियर करना सिंपल है, सिंपली उसमें ऐसे क्लियर कर दो उसको। तो सेट स्टेट जरूर कॉल करनी है क्योंकि वेरिएबल्स में चेंजेस हो रही हैं, एक्सप्रेशन वेरिएबल्स में चेंजेस हो रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो इसमें चेंजेस हुई है मेरे पास स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो, तो सेट स्टेट को कॉल करना जरूरी है। बट मेरे आप सोच रहे हो यार मैंने सी बटन तो लगाया ही नहीं कहीं पर, अभी लगाने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना, यहाँ पर सी लिख दो। मैंने तभी कहा था एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तभी वो इजी हो जाएगा मेरे लिए भी आपके लिए भी कोड को मेंटेन करना। तो क्या हो रहा है कि जैसे मेरे पास स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई तो उसमें हम कुछ सब स्ट्रिंग नहीं गेट कर सकते, तो यहां पर लिख दो इफ एक्सप्रेशन इज नॉट एम्प्टी देन ओनली कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, अदरवाइज कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो जो देखो हमने कॉल किया तो कुछ नहीं हो रहा, अच्छी बात है, क्लियर में भी नहीं हो रहा, तो 777 क्लियर किया तो वो क्लियर हो गई, 777 इसको बैक बैक बैक, फाइन इट इज वर्किंग क्वाइट फाइन। ठीक है, तो एक्चुअली एरर क्यों आ रही होगी, क्योंकि वो आई गेस जो क्या कहते हैं उसको टेक्स्ट है वो एक्चुअली क्लियर हो गया है। कोई बात नहीं, अब आप सोच रहे हो यार ठीक है अब सब कुछ हो गया, अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, 9 - 6 इक्वल्स टू, इक्वल टू करने पर सॉल्व हो, यहाँ पर इक्वल टू प्रिंट नहीं होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, तो कैसे करेंगे,
सो ठीक है, यहां पर एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ बटन टेक्स्ट डबल इक्वल्स टू इक्वल्स टू। तो यहां पर हमने क्या करना है, सॉल्व द एक्सप्रेशन एंड क्लियर द रिजल्ट। तो एक्सप्रेशन को हम यहां पर क्लियर कर देंगे, ऊपर हमने यहां पर इसको सॉल्व करना है पहले। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर एक पैकेज यूज करूंगा, बिकॉज एक बड़ा एक्सप्रेशन है उसके लिए पूरी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, इसको पहले पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, और उस कोड को फिर स्टैक में एक स्टैक की हेल्प से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इतना करने की बजाय ये डार्ट का पैकेज है। अब आप जो पैकेजेस हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्लटर की वेबसाइट है pub.dev, यहाँ पर जितने भी पैकेजेस होते हैं ओपन सोर्स पैकेजेस हैं तो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप गूगल करो, कोई पैकेज सर्च करो, तो आपको कोई लाइक रिक्वायरमेंट है आप वहां सर्च कर सकते हो कि इस पैकेज की मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं क्या ये करना है मैंने, तो कौन कौन से पैकेज अवेलेबल है। तो जिसके पॉइंट्स वगैरह सबसे ज्यादा होंगे वो आपको फ्लटर जो pub.dev है वो टॉप पे दिखाई देगा वैसे तो उसमें आपको पिक कर लेना है। अभी मैं डार्ट इवैल यूज करने जा रहा हूँ, तो ये ऐसे एक्सप्रेशन लिखा होगा तो यहाँ पर मुझे फोर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यही चाहिए था मुझे। तो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी करो, यहाँ पर जो बटन है कॉपी किया, यहाँ पर मैं अपनी फाइल के पास जाऊंगा। यहाँ पर एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है डार्ट फ्लटर की, pubspec.yaml फाइल, यहाँ पर फाइल होगी, इसको आपने ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आप देखोगे इतना कोड लिखा हुआ है, आपने किसी को नहीं छेड़ना, किसी को कुछ नहीं करना। जब आपकी यूसेज आएगी मैं तभी आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऑफ टॉपिक जाके आपको कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंडर ये कुपरटिनो आइकन्स लिखा हुआ है, इसके बाद आगे पीछे कर सकते, ऐसी बात नहीं है। डार्ट इवल को कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं कि मैं एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल की हुई है तो ऑटोमेटिकली ये गेट कर लेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखोगे pub गेट रनिंग, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया मेरी एक्सटेंशन ने कुछ ऐड हुआ है, तो आप उसको गेट कर लो। तो वैसे तो कमांड होती है फ्लटर pub गेट, तो वो आपके जो पैकेजेस हैं वो गेट कर लेगी ऑटोमेटिकली, बट ये एक्सटेंशन इंस्टॉल थी इसके लिए ऑटोमेटिकली ये रन हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में। अब इसको मुझे होम पेज में यूज करना है, यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बट इसको एक्चुअली जो क्या इम्पोर्ट चाहिए इसको मैं यहाँ पर यहां से देख सकता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर ऐसे एज इट इज पेस्ट कर दूंगा उसके लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पर फंक्शन है इवेल, इसको यूज करना है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पर जाके मैंने जब इक्वल टू का साइन चलेगा तो मैं एक्सप्रेशन में फिर तो सेट स्टेट कॉल करेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन में हमें इस इवेल फंक्शन को कॉल पास करना है, तो इसका पैरामीटर मुझे एक्सप्रेशन पास कर देना। ठीक है, तो लेट्स सी इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इट इज फॉर रीलोडिंग, एक्चुअली नया पैकेज इंस्टॉल किया थोड़ा टाइम ले गया। क्लियर करते हैं, 9 माइनस 6 3 आंसर आना चाहिए, इक्वल टू क्लिक करो। ओके ओके, एक्चुअली इवैल फंक्शन इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग इंट, सॉरी इट इज रिटर्निंग अ इंट। इवैल फंक्शन एक्चुअली इट इज रिटर्निंग अ डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें ये चला जाए। तो मैंने पेस्ट कर दिया, जब मैं इक्वल टू क्लिक करूंगा, ओके कुछ एरर आ गई है। ओ एक्चुअली एक्चुअली मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन को यहाँ पर कर दिया एम्प्टी, एक्सप्रेशन यहाँ पर सॉल्व हो गया, यहाँ पर आगे जाके एम्प्टी हो गया, तो एम्प्टी शो हो गया, मुझे एम्प्टी नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती हो गई यहाँ पर। तो 6 माइनस 2 करूंगा तो यहाँ पर इक्वल टू करूंगा, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ गया 4। अरे यार चल रहा है। अब 9 डिवाइड 3 करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3.0। ओ माई गॉड, इट इज वर्किंग। लेट्स से कुछ डेसिमल वैल्यू को करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, 6 डिवाइड बाय 4 डेसिमल वैल्यू आएगी, आ गई। यार हमारा बेसिक कैलकुलेटर हमारा तैयार हो गया। यहाँ पर ये एम्प्टी जगह, यहाँ पर मैं इसको एक डॉट डाल देता हूँ, डॉट डालना मैं भूल गया,
जैसे आप इसको जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने डॉट डाल दी, यहाँ पर डॉट आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर अभी इस प्रोजेक्ट में काफी बग्स हैं, लेट्स से कि ये इट इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन, 1.2 + 6 माइनस 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 9999, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन, तो इसने एरर दे दिया। आप इसको हैंडल कर सकते हो, बट मैंने आपको जस्ट आपको बेसिक बताया था कैसे हम अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे जो पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। रोज रोज का कंसेप्ट बताया, एक्सपेंडेड बताया कि आप कैसे जो एलिमेंट्स होते हैं रोज में एंड कॉलम में उसको कैसे प्रॉपरली स्टैक कर प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो, इक्वल जो उन्होंने साइज लेनी है। आप सोच रहे हो यार मुझे इस रो को थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करना है, तो यहाँ पर एक्सपेंडेड एक वेरिएबल लेता है फ्लैक्स, आप उसको 1, 2, 3 ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो लास्ट रो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बाकियों की तरफ से। जैसे आप देखोगे ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि तो ये डबल ही लेंथ ले रही है इससे, ठीक है, बट हम इक्वल साइज देंगे यहाँ पर। तो अब वीडियो को वाइंड अप करने से पहले यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस बटन्स को और कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। लेट्स से आई वॉन्ट टू कलर माई मटीरियल बटन, ना आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, 25 कर लेते हैं, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो आई वॉन्ट के ये जो बटन है बटन के कलर्स चेंज हो जाए, तो यहाँ पर मैं कलर का वैल्यू कलर्स डॉट इंडिगो डॉट, यहाँ पर हमारे पास शेड्स होती हैं लाइक लाइट शेड है, ये थोड़ी सी 50 सबसे लाइट होगी, 100 थोड़ी सी डार्क होगी, उससे 200 थोड़ी सी और डार्क होगी, तो यहाँ पर मैं 50 कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी लाइट शेड है इंडिगो की। जैसे आपने देखा यहाँ पर शेड हमारे पास शो हो गई, यहाँ पर बॉक्स बॉक्स शो हो रहे हैं। आई वॉन्ट कि जो बॉक्स है यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर है राउंडेड हो थोड़ा सा, और बटन जो है सर्कल शेप में आए, तो यहाँ पर एक शेप फंक्शन शेप पैरामीटर पास कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो इसको शेप पैरामीटर में हम क्या करेंगे, सर्कुलर बॉर्डर लेंगे, तो ये बटन है जो सर्कल की फॉर्म में आ जाएंगे। चल गए यार, अच्छी बात है, फिर कमाल का लग रहा है, बट आप सोचोगे यहाँ पर पीछे ना व्हाइट बैकग्राउंड आ रही है वो अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं उसको भी ठीक करेंगे। अब देख रहे होगे यार यहाँ पर ना जो बटन्स हैं वो आपस में थोड़े से जुड़े हैं, दे आर टचिंग टू ईच अदर। मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी पैडिंग लगानी है, वैसे पैडिंग नहीं मार्जिन लगाना था इसमें, मार्जिन लगेगा नहीं, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि मार्जिन नहीं लग रहा, ऐसे पैडिंग नहीं लग रही, तो सिंपली कंटेनर को इस वेरिएबल को रैप कर दो, कंटेनर ऐड करने के बाद यहाँ पर एक मार्जिन, आप उसमें मार्जिन ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ऑल में लेट्स से मैं थोड़ा थोड़ा सी पैरिंग दे देता हूँ, 5.0 डन। ओके, तो आप थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड आ रही है ये मेरे बैकग्राउंड कलर है, किसका बैकग्राउंड कलर है, स्कैफोल्ड का। तो मैं क्या कहता हूँ कि यार इसको ना बैकग्राउंड कलर को सेम रख देता हूँ हमारे इंडिगो डॉट शेड 50। अब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर को कर दिया सेम, पहले व्हाइट था अब कुछ मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। बड़ा सोचो कि यार जो बटन्स हैं जो ये इसके जैसे शो हो रहे हैं, वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं वैसे, वैसे क्या तो अच्छे लग रही है, बट थोड़ा सा इसमें जो यहाँ पर बॉटम पे ना शेडोज थोड़ी 3D 3D आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा और 3D कर दें, कैसे होगा। तो मटेरियल बटन में एक और पैरामीटर होता है एलिवेशन, तो उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो बटन्स 3D हो गए हैं, अब बटन काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर पैडिंग इसका मार्जिन थोड़ा ठीक कर लें, थोड़ा 5 से 8 कर देते हैं, ओके 5 ही ठीक है। पैडिंग देखे लगा के क्या होता है, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल 10.0 नहीं यार। तो पैडिंग क्या होती है कि वो अंदर के एरिया में उस टेक्स्ट को करती है, ठीक है, उसमें स्पेस डालती है। तो मार्जिन क्या होता है, ये जो विजेट है उसके आउटर एरिया में वो स्पेस डालती है थोड़ी सी, तो मुझे आउटर एरिया में चाहिए थी वो, चलो हो गई। तो
या सो काफी अच्छा लग रहा है, एप्लीकेशन क्लियर भी हो रहा है, हमारे पास बैक भी चल रहा है, बटन्स प्लस भी हो रहे हैं. सो यू कैन इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन टू योर मोबाइल फोन, बट हाउ यू कैन डू दैट, तो उसको देखते हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे टॉप पे ना ये लिखा हुआ है कुछ रेड कलर का, डीबग. हाँ, अब रिमूव हो गया. अब देखते हैं कि ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कैसे कर सकते हो. तो यहां पर क्या होगा, टर्मिनल भी जाने पर इसको मैं एक न्यू टर्मिनल क्रिएट करता हूं. यहां पर लिखेंगे फ्लटर बिल्ड एपीके, दैट्स इट. इसको एंटर कर दो. तो हमारे पास जो एपीके है वो बिल्ड हो रहा है. तो आप इस एपीके और आप इस एपीके को जो फाइल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने फोन में सेंड करके, इसको एज यू मतलब जैसे इंस्टॉल करते हैं क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो. तो आपकी जो ये जो कैलकुलेटर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा. या सो फाइल मेरी बिल्ड हो चुकी है, मेरे इस फोल्डर में आएगी ऐप आउटपुट्स, बिल्ड ऐप आउटपुट्स फ्लटर एपीके एपीके रिलीज. तो जाते हैं माई कैलकुलेटर बिल्ड ऐप आउटपुट्स फ्लटर एपीके रिलीज दिस वन. अब इसको मैं जो मेरी फोन है इसमें सेंड कर देता हूँ, सेंड हो गई एप्लीकेशन. यस हो गई, इसको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ. अभी फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया. सो इट इज इंस्टॉलिंग. या सो एज यू कैन सी एप्लीकेशन हैज इंस्टॉल्ड इन टू द सिस्टम, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग फाइन. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड यू कम टू नो हाउ यू कैन क्रिएट द एप्लीकेशन फॉर योर फोन. तो आज हमने मतलब काफी बड़ा काम कर लिया है, मतलब एक बार एक हमारा पहला फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है. तो होपफुली यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन यूज दी लाइक हमारा जो कॉलम्स रोज एक्सपेंडेड विजेट, हाउ यू कैन क्रिएट द मटेरियल बटन, हाउ यू कैन स्टाइलाइज द टेक्स्ट, हाउ यू कैन स्टाइलाइज दी मटीरियल बटन एंड लॉट मोर थिंग्स, हाउ यू कैन यूज दी पैकेजेस फ्रॉम दी pub.dev. तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड डू हिट दी सब्सक्राइब बटन ऑफ माई चैनल, डू हिट दी बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो यू गेट नोटिफाइड ओवर इट. एंड डू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी रिव्यूज अबाउट दिस वीडियो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर वीडियो ऑन स्पेसिफिक टॉपिक डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन टू. एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच.